प्री रिकॉर्डेड सेशंस हम अपने ऐप में देते हैं 5-7 मिनट्स के, 10 मिनट्स के, कि बच्चा उसको कभी भी देख सकता है, अपनी पेरेंट्स की गाइडेंस में भी दे सकता है। टीचर का काम ज़रूर बढ़ गया है। हमारे टीचर का कोई सिर्फ 5 या 6 आवर्स का ड्यूटी नहीं है, वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बिजी है। वी हैव डेवलप्ड आवर स्कूल ऐप, दैट इज़ द सेंट्रल अकेडमी ऐप, एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ गिवन द यूज़र ID एंड पासवर्ड, so that each and every student can watch the videos and assignments given by the teachers. And the best thing about this app is that videos and the assignments, they remain recorded in the school app. और homework के लिए हमने उनको time दिया, just not उसी वक्त homework नहीं देना है, 3 days, 4 days का alternate classes हम चला रहे हैं ताकि बच्चों को easily time करने का मिल जाए। एक और challenge हमारे पास आया कि एक ही mobile है और 3 brother sisters हैं, तो हमारे स्कूल में हमने एक डिज़ाइन किया, टाइम टेबल हमने चेंज किया क्लास वाइज। सपोज़ 1st and 2nd मॉर्निंग में लगता है तो 7th, 6th and 7th हमने आफ्टरनून में करा है, 9th क्लास हमने इवनिंग में किया है, सो दैट हमने ब्रदर सिस्टर्स जो क्लाशेस हो रही थी क्लासेस उनके उन पे हमने वर्क करके अलग अलग टाइम टेबल बनाया है, जो बच्चा टीचर को वापस से रिवर्ट देता है। प्रेजेंट होने को तो सारे प्रेजेंट हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे वर्क कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं वर्क कर रहे हैं, तो हमने एक रूल डाला है, जिस बच्चे का होमवर्क आएगा, जो बच्चा लाइव सेशन में प्रेजेंट होगा, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको प्रेजेंट करा जाएगा, अदरवाइज एब्सेंट मार्क करी जाएगी। तो इससे एक हमारे को अब मोर अटेंडेंस मिल रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते ही हैं। ये काम शुरू करने से पहले स्कूल को अपने टीचर्स को फुल्ली ट्रेन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस चलवा रही है तो उनको ये चेक करना चाहिए कि सब जगह नेट अवेलेबल हो और उसकी स्पीड भी प्रॉपर, तभी ये सफल हो सकता है। क्योंकि ये जो नेट अवेलेबल होना और उसकी स्पीड प्रॉपर होना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अब यहाँ पर तो गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल और पेरेंट्स, चारों का जब तक बराबर कोऑपरेशन नहीं हो तब तक ये चीज़ सफल नहीं हो सकती। क्लासेस जो है बजाय रेगुलर 7 दिन होने के, दिन बांट देना चाहिए कि इस दिन 2 दिन इंग्लिश की होगी, 2 दिन मैथ्स की होगी, 2 दिन हिंदी की होगी, 2 दिन सोशल स्टडी। पेरेंट्स का, ख़ास तौर से मदर्स का वर्कलोड तो बहुत बढ़ गया, पर यह है कि उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और स्कूल को भी टाइम टेबल इस तरह सेट करना चाहिए कि पेरेंट्स इजीली मैनेज कर सकें। और तो देखो अलर्ट वाले बच्चों का तो ये हाल है कि क्लास में जब बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तब भी वो अलर्ट नहीं रहते, तो वो चूँकि टीचर की निगाह उन पर रहती है तो टीचर उनको टाइट करते रहते हैं। अब ऐसे घर में पेरेंट्स बीच बीच में चेक करते रहें कि बच्चा अलर्ट है या नहीं, यहाँ पेरेंट्स की थोड़ी सी ड्यूटी है, स्कूल में टीचर्स की ड्यूटी होती है। टीचर अपने आगे की लाइन के बच्चों को भी और पीछे की लाइन के बच्चों को भी, 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 पर वो निगाह टिकाए रहता है और पढ़ाता भी रहता है, तो वहाँ टीचर अलर्ट रहता है, यहाँ पेरेंट्स को अलर्ट। 0 ईयर मानना पड़ेगा, 0 ईयर मीन्स 1 साल के लिए कोई पढ़ाई नहीं। अभी तक संसद शुरू नहीं हुई, विधानसभा शुरू नहीं हुई, बच्चों का स्कूल शुरू करके एक्सपेरिमेंट क्यों करें। हमें इसके लिए, इस ऐप को समझाने के लिए किस तरह से हमें होमवर्क सेंड करना है, वीडियो सेंड करना है, और किस तरह से हम ये चेक कर करें कि वो वीडियो सही गया भी है कि या नहीं गया है, इस सब चीज़ की हमें पहले स्कूल में बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी। हम वीडियो बना करके जो स्कूल का ऐप है उस पर हम वीडियो सेंड करते हैं, और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जो स्कूल के ऐप पर वो वीडियो नहीं खोल पाते, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं आता है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। जो हाँ स्कूल का काम है, हम इवनिंग में ही उसको, एक दिन पहले इवनिंग में ही उसे रेडी करके रखते हैं और फिर हम उसे सुबह उस वीडियो को सेंड करते हैं।